आज की इस एपिसोड में हम बात करते हैं हॉलीवुड की 10 बेस्ट एक्शन रोमांस फिल्में, जिसे देखे बिना आप रह नहीं सकते। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन को दबाना मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमारी 2 की फिल्म द बॉडीगार्ड। फिल्म में मुख्य भूमिका है केविन कॉस्टनर और व्हिटनी ह्यूस्टन। फिल्म की कहानी है एक एक्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की, जो अब बॉडीगार्ड का काम कर रहा होता है। उसे एक लेडी म्यूजिक स्टार को प्रोटेक्ट करने का काम दिया जाता है। उस म्यूजिक स्टार को एक अननोन व्यक्ति से धमकियां मिलती रहती है। द बॉडीगार्ड फिल्म 1992 की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 411 मिलियन यूएस डॉलर्स। Well, his timing's good. Henry, I've spent a lot of time guarding people all over the world, and I found one thing to be true. No matter how incompetent the assassins, no matter how much they miss their target, there's one person who always gets hit. Who? The cocky black chauffeur. You afraid I might get picked off from my snazzy running suit? No, I'm afraid that I'm going to have to jog with you. 7वें नंबर पर है 1984 की फिल्म रोमांसिंग द स्टोन। फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं थी माइकल डगलस और कैथलीन टर्नर की। फिल्म को डायरेक्ट किया था रॉबर्ट ज़ेमेकिस ने। Piece of cake, my butt. What went wrong? I'll tell you what went wrong. First of all, guess who else is here? You're dead right, Solo. What? Secondly, she's got herself a partner. Like shooting holes in everything. The minimum price for taking a stranded woman to a telephone is $400. $375 in traveler's checks? Not a deal. That's just the beginning of what's going on down here. हमारी लिस्ट में नंबर 6 जाता है 2011 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म इन टाइम को, जिसके डायरेक्टर थे एंड्रयू निकोल। फिल्म की कहानी भविष्य में स्थित है, जहां लोग 25 साल जीने के बाद उनकी उम्र वहीं रुक जाती है। अगर उनको ज्यादा जीना है तो टाइम खरीदना पड़ता है। अमीर लोग अमर होते जाते हैं और गरीबों को जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। You upset the whole system. Let's hope so. If this works, we gotta get more. I can help you get all the time you want. You know I'm coming to get you. His crime wasn't taking time. He was giving it away. Number 5 par hai Arnold Schwarzenegger starrer Avatar aur Titanic fame director James Cameron dwara nirdeshit 1994 ki film True Lies. सीक्रेट एजेंट के लाइफ में तब भूचाल आता है जब उसे पता चलता है कि उसके वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ना सिर्फ उसे दुनिया को बचाना है, बल्कि अपने वाइफ के अफेयर की सच्चाई भी ढूंढनी है। वो एजेंट अपने वाइफ से अपने सीक्रेट सर्विस में होने की बात छुपाता है। You wouldn't believe me if I told you. You know what this is? It's a snow cone maker. Is it a water heater? From James Cameron, director of Aliens and T2. Arnold Schwarzenegger. आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहते हैं कि हमने हॉलीवुड की 10 बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों के बारे में एक वीडियो बनाया है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ऊपर आई बटन पर लिंक है और नीचे हमने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है। 3रे नंबर पर है 2010 की टॉम क्रूज स्टारर फिल्म नाइट एंड डे। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह की है। जून हेवंस मिलती है रॉय मिलर से, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। वो उसके प्यार में गिर जाती है, जिसे पता नहीं है कि वो कौन है, अच्छा है या बुरा है। 2014 की ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म बैंग बैंग इसी फिल्म का ऑफिशियल रीमेक थी। Hey June, it's a beautiful dress.
1 second. This is wild. नंबर और आज की इस लिस्ट का नंबर वन स्पॉट जाता है 2005 की एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट स्टारर फिल्म मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ को। फिल्म की कहानी एक पति पत्नी की है जो शादी के 7 साल बाद वो जानते हैं कि वो सीक्रेटली पैसे लेकर लोगों को मारने का यानी के एसेसिन्स का काम करते हैं, वो भी एक दूसरे की दुश्मन कंपनियों के साथ। इसका उनके शादी और लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये फिल्म में दिखाया गया है। ये फिल्म सही मायने में बेस्ट एक्शन रोमांस फिल्म है जो बार बार देखने पर भी सिनेमा लवर का जी नहीं भरता। फिल्म में एंजेलिना जूली और ब्रैड पिट की केमिस्ट्री खूब भाती है। तो ये थी वो 10 बेस्ट एक्शन रोमांस फिल्में जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। आपके हिसाब से कौन सी फिल्में और है जो बेस्ट है या इन फिल्मों का आपके हिसाब से क्या सीक्वेंस होना चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।